वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार हो चुका है। आज के मुख्य समाचार में झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबर को देखेंगे, साथ ही देश दुनिया और योजनाओं से जुड़े ताजा हेडलाइंस न्यूज भी देखेंगे। वीडियो के अंत में ट्रेन का ताजा अपडेट भी जानेंगे, बहुत जरूरी और सभी काम की खबरें हैं तो अंत तक देखें। हम ऐसे ही ताजा अपडेट आपके लिए डेली लाते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। खबर है झारखंड से। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे से शिक्षकों व हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी राहत, रांची में मना जश्न। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और करीब 18,000 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट के 21 सितंबर 2020 के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिससे झारखंड सरकार की नियोजन नीति को निरस्त करते हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद काफी संख्या में शिक्षक रांची के मोहराबादी मैदान पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 4 नवंबर 2020 को करेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और उनसे 4 नवंबर के पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई लागू की गई नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेश के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति किए गए 3,684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक इस केस की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक शेड्यूल एरिया के 13 जिलों में काम कर रहे सभी शिक्षक पूर्ववत्तक काम करते रहेंगे। हाईकोर्ट के फैसले का अभी उनके सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है, इसलिए वो सभी पक्षों को 15 दिन का वक्त देते हुए वे अपने जवाब दाखिल कर सकेंगे। शीला पदार्थ खिलाकर चतरा की महिला से बिहार के गया में दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाली महिला को एक पुरुष सहकर्मी ने ग्राहक देने के नाम पर धोखे से बिहार ले गया और वहां उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर मायके पहुंची और पूरी कहानी घर वालों को बताई। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को नेटवर्किंग कंपनी के काम करने वाले एक पुरुष सहकर्मी इकबाल के पुत्र शाहरुख ने महिला को नेटवर्किंग एक ग्राहक देने के लिए फोन कर गया के जिले में डोभी बुलाया। महिला उसके साथ बुलावे पर अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ चली गई। वहां पहुंचने के बाद युवक ने उसे यह कहते हुए गया ले गया कि संबंधित ग्राहक वहां चले गए हैं। झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई स्कूल के फैसले पर स्टे लगाया। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को गलत करार देते हुए उस नीति के आधार पर 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। झारखंड एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए कर्मचारी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष दस्ते ने मंगलवार को राजस्व विभाग के उप निरीक्षक को कथित रूप से 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों दबेचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि कुनील राम व रकमल लेस्टिंगगंज प्रखंड के ओरैया गांव के एक भूमि के दाखिल खारिज करने की एवज में घूस के रूप में ले रहा था। उसके अनुसार इस मामले के अभय कुमार ने ब्यूरो के समक्ष लिखित शिकायत की थी कि कर्मचारी उसकी मां के नाम का दाखिला खारिज करने के बदले में 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। झारखंड सरकार ने दिया नए सिरे से इंडस्ट्रियल पार्क फूड और फीड पॉलिसी बनाने का निर्देश। झारखंड सरकार ने 3 नई पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है। ये पॉलिसी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में ये तीनों पॉलिसी बनी थी। 5 वर्षों तक इन पॉलिसियों की अवधि थी। वर्ष 2020 में अवधि समाप्त हो गई थी। उद्योग विभाग द्वारा आरम्भ इन तीनों पॉलिसी के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया था, पर मुख्यमंत्री ने अवधि विस्तार की जगह नए सिरे से पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उद्योग विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।
बाबूलाल मरंडी ने साधा हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूत तो सरकार के काबिज भ्रष्टाचारी और बिचौलिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरंडी ने कहा कि झारखंड की सत्ता पर भ्रष्टाचारी और बिचौलिए काबिज है। मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूत तो सरकार पर काबिज भ्रष्टाचारी और बिचौलिए हैं। राज्य में हेमंत है तो हिम्मत है, पर जुमला बकवास बनकर रह गया। हेमंत सोरेन से ज्यादा मजबूत तो इस राज्य के बिचौलिए हैं। बाबूलाल बुधवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से नक्सली फन उठाने लगे हैं। चोरी, अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई है। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में कानून का नहीं है, पुलिस का राज चल रहा है। वहां पदस्थापित थानेदार हरीश पाठक महिला की सरेआम पड़ताना करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करने का आईवॉस उसे मुसावनी थाने में पदस्थापित कर दिया गया है। खबर देश दुनिया से, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले आतंकियों का लग रहा है पैसा, पूरी तरह से बंद होने चाहिए मदर। असम सरकार ने नवंबर से राज्य में सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि जनता के रुपयों से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए सभी सरकारी मदरसों को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। असम सरकार के इस फैसले का सिया वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि मदरसों में आतंकवादियों का पैसा लग रहा है, इसलिए सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और स्कूली शिक्षा शुरू कर देना चाहिए। बॉलीवुड का जनता से टकरार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद जो तस्वीर बॉलीवुड से निकलकर सामने आई है वो विचलित करने वाली है। अंडरवर्ल्ड से लेकर कास्टिंग पाउच तक वो तमाम बातें जिन्हें अपने ऑफिस की मैगजीनों में पढ़ा वो हमारे सामने है। चाहे नेपोटिज्म की डिबेट हो या फिर बॉलीवुड स्टार का नशे में डूबा बदरंग चेहरा, जैसा बॉलीवुड दिख रहा है उसने एक दर्शक के तौर पर हमारी पसंद को सवालों को घेरे में डाल दिया है। तमाम तरह की बातें हो रही है और मांग बायकॉट बॉलीवुड पर आकर थम गई है। हर बार के विपरीत इस बार जनता अपनी मांग को लेकर स्पष्ट है। वहीं हाल के दिनों में जैसी बदनामी हुई है उसे बॉलीवुड और इससे जुड़े तमाम सेलिब्रिटियों का गहरा आघात लगा है। एक ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड को घेरा जा रहा है तो तमाम सेलिब्स बॉलीवुड के समर्थन में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि एक एजेंडा के तहत तमाम लोगों द्वारा बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। खूंखार आतंकी ढेर, सेना का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी, नहीं बचेगा कोई भी दुश्मन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन चलाया हुआ है। घाटी के शोपिया जिले के चकुरा इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों ने जारी ऑपरेशन के चलते आज दो आतंकवादियों की मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन बताया जा गया है कि अभी तक इन आतंकियों के शव बरामद नहीं किए गए हैं। फिलहाल कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है, साथ ही जवानों ने पूरे इलाके में कड़ी घेराबंदी करके रखी है। इधर अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF ने भारत को लेकर दी बड़ी खुशखबरी, 2021 में चीन को पछाड़ कर आगे निकल जाएगा भारत। भारत ने लद्दाख में सेना से चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है। सामरिक क्षेत्र में चीन को पटकनी लगाने के बाद आर्थिक क्षेत्र में पछाड़ने जा रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि इसके साथ ही IMF ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त की जाएगी। सुशांत के फैंस PM मोदी के सामने रखेंगे मन की बात, करेंगे न्याय की अपील। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का अब कई महीने बीत चुके हैं। उनके केस में एम्स की रिपोर्ट ने पूरा केस पलट कर रख दिया है। जब टीम ने हत्या की थ्योरी को खारिज किया एम्स की रिपोर्ट के बाद, सुशांत के परिवार वाले और फैंस ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब एक्टर इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फैंस के साथ मिलकर मन की बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का फैसला किया है। अब IAS करने वाले की मदद करेंगे सोनू सूद, मां के नाम से जारी है स्कॉलरशिप स्कीम। बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद भले ही फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो एक हीरो हैं। ये बात उन्होंने खुद साबित की है अपने कामों से। इस महामारी के समय में सोनू जिस तरह से गरीब और बेसहारा लोगों को मदद कर रहे हैं वो किसी के लिए भी करना आसान बात नहीं है। लेकिन सोनू हंसते हंसते हर एक शख्स की मदद कर रहे हैं जो उनके दर पर आ रहा है। अब सोनू ने
आईएएस की प्रिपरेशन करने वालों की मदद करने का मन बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम जारी की है। बिहार सिपाही चालक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 2020 की तारीख घोषित कर दी है। इस संबंध में सीएसबीसी के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार सिपाही चालक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर और 28 नवंबर 2020 को किया जाना है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तारीख चेक कर सकते हैं। गुजरात के गृह मंत्री ने एनडीटीवी पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। तनिष्क पर फैलाया था फेक न्यूज। तनिष्क द्वारा विज्ञापन वापस लेने के बाद वामपंथी मीडिया चैनल एनडीटीवी ने ब्रेकिंग चलाते हुए दावा किया कि विवाद के चलते गुजरात के गांधी धाम में तनिष्क के एक स्टोर पर हमला हुआ है। एनडीटीवी के मुताबिक हमलावरों की भीड़ ने कथित तौर पर स्टोर मैनेजर को माफी पत्र लिखने के लिए कहा था। अब गुजरात के गृह मंत्री इसका खंडन करते हुए कहा कि एनडीटीवी द्वारा गांधी धाम के तनिष्क स्टोर पर हमले की फैलाई गई खबरें पूर्णतः झूठ और फर्जी है। यह बिल्कुल ही गलत मंशा से गुजरात में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसा भड़काने के उद्देश्य से किया गया है। मैंने इस लोगों पर मामला दर्ज करने को कहा है और फेक न्यूज चलाने वाले सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सस्ते में सोना खरीदने के लिए बचे हैं मात्र 3 दिन। मोदी सरकार दे रही है एक मौका। मोदी सरकार की सोने में निवेश की स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए 3 दिन का समय बचा है। सरकार ने 12 अक्टूबर से स्कीम शुरू की थी, जो शुक्रवार 16 अक्टूबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार निवेशकों की इस स्कीम के जरिए मार्केट प्राइस से कम दाम में सोने के निवेश करने का मौका देती है। परसों 13 अक्टूबर को देश भर में सराफा बाजारों में बिक रहे सोने का औसत मूल्य से तुलना करें तो यह आपको 637 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है। कल 24 कैरेट सोने का मूल्य 51,147 रुपये है, जबकि सरकार आपको सॉवरेन गोल्ड के रूप में 50,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से निवेश का मौका दे रही है। विधवा पेंशन ले रही थी 106 सुहागिनी महिलाएं, पोल खुलने के बाद राशि वसूलने का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, यह पति को मृत बताकर सुहागिनी महिलाओं द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। जबकि प्रशासन को फिलहाल 106 ऐसे मामले मिले हैं, वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी कुमार प्रसाद ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। बीजेपी का बिहार चुनाव के तीसरे चरण का बड़ा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तीसरे चरण की 35 सीटों के लिए जारी सूची में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। इस साल पड़ेगी कपाने वाली ठंड, टूट सकता है कई सालों का रिकॉर्ड। बेशर्म हुए फारूक अब्दुल्ला, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, क्या इसी तरह से उगलते रहेंगे जहर। नहीं समझ में आ रहा है कि यह सब करके किसको खुश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला ने अपने ताजा जहरीले बयान में कहा है कि चीन के मदद से एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू कराया जाएगा। अब्दुल्ला जी यह बयान तब दे रहे थे जब चीन का रुख भारत के खिलाफ बेहद आक्रामक बना हुआ है। अब ताजा अपडेट रेलवे से। आज से हावड़ा और पुणे के बीच 2 साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02222 हावड़ा से सुबह 8:20 में पुणे के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन गुरुवार और शनिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02221 पुणे से हावड़ा के लिए 17 अक्टूबर को दोपहर 3:15 में रवाना होगी। यह ट्रेन सोमवार और शनिवार को चलेगी। संतरागाछी चेन्नई 2 साप्ताहिक एसी स्पेशल। ट्रेन संख्या 02807 16 अक्टूबर को संतरागाछी से चेन्नई के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02808 18 अक्टूबर को चेन्नई से संतरागाछी के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार और रविवार को चलेगी। अब जानते हैं हावड़ा से चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन के बारे। ट्रेन संख्या 02867 और 02868 अप एंड डाउन हावड़ा पुडुचेरी हावड़ा वीकली स्पेशल 18 अक्टूबर 2020 से
2 दिसंबर 2020 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 02877 और 02878 अप एंड डाउन हावड़ा एर्नाकुलम हावड़ा वीकली स्पेशल 17 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 02847 और 02848 अप एंड डाउन हावड़ा दीघा हावड़ा स्पेशल 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 02829 और 02830 हावड़ा टाटा नगर हावड़ा स्पेशल 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 02837 और 02838 हावड़ा पूरी हावड़ा स्पेशल 16 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 02804 और 02803 हावड़ा रांची हावड़ा स्पेशल 18 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।